नमस्ते दोस्तों, पिछले हफ्ते के तीन ही ट्रेडिंग सेशंस थे और तीनों ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट के अलग अलग कलर देखने को मिले। पहले दिन पहले ट्रेडिंग सेशन में हमने 600 करीब 600 पॉइंट का फॉल हमने देखा। उसके बाद वापस 300 पॉइंट की रिकवरी और तीसरे ट्रेडिंग सेशन में खुद को संभालता हुआ बाजार। तो दोस्तों, ये पिछले हफ्ते में जैसा हमने डिस्कस किया था, बहुत उठापटक और तीसरे दिन लैकलस्टर मूवमेंट देखने को मिला। क्या अगले हफ्ते में यही कंटिन्यू होगा? आइए इस बात पर डिस्कस करेंगे आपके पसंदीदा YouTube चैनल किरण जाधव पे। मैं आशीष केलकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो वीकली वीडियो हम बनाते हैं, इसमें हम आपको अलग अलग तरह के इंडाइसेस के बारे में, अलग अलग तरह के सेक्टर्स, कमोडिटीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। हमारा जो ऊपर ओपिनियन है वो आपके सामने रखते हैं। उसके साथ साथ हम जोर देते हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, और इसी के चलते हमारे अलग अलग तरह के वर्कशॉप भी हम कंडक्ट करते हैं। और 3 और 4 फरवरी को हमारा एक वर्कशॉप होने जा रहा है। पिछला जो वर्कशॉप हमने किया था, इंट्राडे वर्कशॉप फॉर कैश एंड फ्यूचर सेगमेंट, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने हमें दिया था। वही वर्कशॉप वापस 3 फरवरी और 4 फरवरी को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वर्कशॉप है, इसमें हम आपको 2 बेहतरीन स्ट्रैटेजीज इंट्राडे के लिए तो सिखाएंगे ही, और उसके साथ साथ अगर आपको इंट्राडे के लिए टाइम नहीं है, फिर भी आप इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, आपका रिस्क मैनेज कर सकते हो, इसके लिए आपको मशीन ट्रेड का कैसे यूज करना है, इसके ऊपर भी हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो होम पेज है उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप कैश एंड फ्यूचर होम पेज पे ही एक बैनर है, वहाँ पे क्लिक करो, उसके बारे में पूरी जानकारी लो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे जो हमारे वेबसाइट पे दिया गया है, और जानकारी उस वर्कशॉप के बारे में ले सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीकली वीडियो और चालू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने देखा एक अच्छा खासा उठा, मतलब पहले दिन जो 3 ट्रेडिंग सेशंस थे, पहले ही ट्रेडिंग सेशन में एक फॉल देखा, वापस रिकवरी देखी और संभलने की कोशिश। अभी अगले हफ्ते में क्या होगा? ये जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का जो बॉटम बना है, वो बॉटम और प्रीवियस स्विंग बॉटम, इसके भी ये जो रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट जोन का काम करने की पूरी संभावना बनती हुई चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये जो लो है करीब 21,200 के आसपास का है, और ये लो है 21,000 के आसपास का, यानी 21,000 से लेके 21,200 ये हमारे लिए बहुत अहम रेंज रहेगा नीचे की तरफ। जब तक हम इसके ऊपर है, बाजार में खुद को संभलने की कोशिश होती हुई दिखाई देगी। इसके नीचे ही अगला फॉल चालू होने की पूरी संभावना है। इसीलिए हमें अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो इस सपोर्ट जोन में जब हम आएंगे, या तो उस वक्त हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, और स्टॉप लॉस 21,000 के नीचे का हम रखेंगे, ताकि हमें क्या होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, रिस्क बहुत कम होगा। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, 21,500 इस अहम लेवल को, निफ्टी को क्रॉस करके खुद को वहाँ पर सस्टेन रखना होगा। यानी एक 500 पॉइंट का रेंज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकली, नीचे की तरफ 21,000, ऊपर की तरफ 21,500, ये दो लेवल के बीच में अगले हफ्ते में कारोबार होता हुआ नजर आने की संभावना है। ये दोनों लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। 21,000 के नीचे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और 21,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और वहाँ पे खुद को टिका रखता है, तो ऊपर की तरफ वापस एक बार 21,800 से लेके 22,000 के लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आने की पूरी संभावना है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये पिछले 3-4 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ, और हमने देखा कि उसी तरह से हमने बाजार में उठापटक होती हुई देखी है। तो हमें बहुत कॉशियसली ये दो लेवल्स निफ्टी के लिए मॉनिटर करने जरूरी है। तो ये हुआ टेक्निकल व्यू। अभी हम बात डिस्कस करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा, डेरिवेटिव डेटा। दोस्तों, अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं, तो यहां पे ना आपको एक बात मैं दिखाना चाहता हूं, और वो रहेगा वॉल्यूम्स, मतलब जिस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको याद होगा पिछले कई हफ्ते में हम देख रहे हैं 1,90,000,
1,50,000 2,00,000 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, ऐसा हमने ऑप्शन चेन डेटा में देखा है। लेकिन अगर हम अगले हफ्ते यानी 1 फरवरी की एक्सपायरी का वीकली ऑप्शन का डेटा देखते हैं दोस्तों, तो देखिए मतलब 40,000 50,000 38,000 30,000 33,000 यानी वॉल्यूम्स बहुत कम है। और अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं दोस्तों, तो 21,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 51,000 के आसपास का, यानी जो कुछ भी वॉल्यूम्स है कंपैरेटिव टू प्रीवियस ऑल वीक्स बहुत कम है ये, लेकिन फिर भी उसमें से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो 21,500 है। दोस्तों वॉल्यूम्स कब कम होते हैं, दो तीन चीज़ें होती है, पार्टिसिपेशन कम है। पार्टिसिपेशन कम क्यों है, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन है कि बाजार की डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन लेस, ये फिगर्स देख के डायरेक्शन लेस फील होता है कि बाजार में अभी भी तय नहीं है कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, बुल्स होंगे या बेयर्स होंगे, सब लोग कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम में थोड़ी सी कमजोरी। और उसके ऊपर लंबा वीकेंड था इसलिए कोई और नई पोजीशन लेके जाना नहीं चाहता था। हो सकता है कि मंडे को हमें इस सारी डेटा में अच्छी खासी हलचल देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपको थोड़ा कॉशियसली मॉनिटर करना ज़रूरी है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कॉल साइड में 21,500 एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो अपने टेक्निकल लेवल को मैच कर रहा है। पुट साइड अगर देखते हैं दोस्तों, पुट साइड में अगर मैं देखता हूं तो 41,000 36,000 30,000 एंड 63,000 यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों 21,000 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी हमारा टेक्निकल व्यू और ओआई डेटा दोनों साथ चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये दो लेवल्स बहुत अहम रहेंगे अगले हफ्ते के लिए, और जैसे जैसे डेटा फॉर्मेशन बनता जाएगा वैसे वैसे हमें हमारी लेवल्स की एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ही दो लेवल्स बहुत अहम लेवल रहेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हम पुट कॉल रेशो PCR भी एक बार निफ्टी का चेक कर लेंगे ताकि अपना व्यू पूरा हो जाए। 25 जनवरी को देखेंगे तो 0.78 यानी अभी हम जो PCR का रेंज होता है नीचे की तरफ 0.6 0.7 ऊपर की तरफ 1.2 1.3 तो उस रेंज के निचले लेवल पे है। अगर मैं ये चार्ट देखता हूँ तो हम निचले स्तर पर आ चुके हैं, तो यानी पुट कॉल रेशो बढ़ने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी मार्केट में एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि थोड़ा रिकवरी का मोड बनता हुआ दिखाई दे सकता है पुट कॉल रेशो के हिसाब से। तो दोस्तों अगर मैं पुट कॉल रेशो के हिसाब से देखूंगा, या भी हम 21,350 के आसपास है, 21,500 को टेक्निकली तोड़ना चाहिए और उसके साथ साथ PCR में एक अच्छा खासा रिकवरी देखना चाहिए, तो हो सकता है हम 21,500 के ऊपर लेके जा निफ्टी जाने की संभावना होगी। और अगर वहाँ पर खुद टिका रहता है और PCR भी अपने आप को संभाल के रखता है तो उस केस में हम 21,800 22,000 की तरफ जाने की संभावना होगी, लेकिन हमें ये कॉम्बिनेशन का रोज जायजा लेना ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल निफ्टी में रेंज है उसकी तरफ ध्यान देना है। ये रहा अपना निफ्टी के ऊपर व्यू, अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी दोस्तों अगर याद है पिछले हफ्ते में मैंने कहा था 45,400 ये एक पैनिक बॉटम है, इसके नीचे एक फॉल देखने को मिल सकता है। और देखिए दोस्तों 45,400 के नीचे हमने बाजार को बैंक निफ्टी को करीब करीब 1,000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में हमने देखा, वापस रिकवरी आई और वापस गिरावट देखने को मिली, और अभी हम 44,900 के आसपास है। अभी अगले हफ्ते के लिए अगर मैं टेक्निकल लेवल्स देखता हूँ, चार्ट को थोड़ा कॉम्प्रेस भी करता हूँ, तो देखिए दोस्तों जिस तरह का ये फॉल था यहाँ पे ये गैप डाउन खुला था, वापस रिकवरी देखने को मिली, अगले दिन उसी लेवल को टेस्ट होके वापस ऊपर जाने की कोशिश, यानी ये जो बॉटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि करीब करीब 44,400-45,000 के बीच में है। यानी अगले हफ्ते के लिए जो बहुत अहम लेवल का काम करेगा वो रहेगा 44,400 के बीच में, मैं लोअर लेवल पकड़ूंगा 44,400।
अगर निफ्टी को जैसा बैंक निफ्टी में 21,500 सॉरी निफ्टी में 21,500 है वैसा बैंक निफ्टी में 45,500 ये लेवल है ऊपर की तरफ। इसके ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी को निकलते हुए देखेंगे वहाँ पे सस्टेन होगा, खुद को रोक के रखेगा तो ही वापस एक बार रिकवरी के चांसेस इस इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए 44,400 एंड 45,500 ये रेंज अगले हफ्ते के लिए या फिर ये लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों देखेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूं तो इसमें देखिए कॉल साइड पहले देखेंगे 45,000 पे करीब करीब 100,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो 45,500 पे 63,000 है। 46,000 बहुत दूर है तो उसकी बात नहीं करेंगे। 45,500 यानी हमारा टेक्निकल व्यू बहुत ही सटीक यहाँ पे मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे ट्यूसडे में अगर 45,000 निकल देता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यस आराम से हम इस लेवल को टेस्ट करते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को। पुट साइड में देखेंगे 44,900 देखेंगे 44,800 बहुत स्कैटर्ड है ऐसा कोई बड़ा नहीं है एक्सेप्ट फॉर 44,500 यानी बैंक निफ्टी में 44,500 ये ही अहम लेवल निकल के आ रहा है यानी हमारा जो 44,400-500 ये लेवल है वो भी सटीक मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं 44,400 के साथ जाना चाहूँगा। मैं 50-60 पॉइंट्स का थोड़ा बफर ले रहा हूँ। 44,400 अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ जिस जो सब अच्छा खासा सपोर्ट का काम करना करने की पूरी पूरी संभावना चार्ट और डेटा के हिसाब से देखने को मिल रही है। अभी बात करेंगे फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी की तरह ही है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर है जो कि करीब करीब 19,850 के आसपास है, 19,850 इज़ अ सेवियर फॉर फिन निफ्टी। जब तक हम इसके ऊपर है थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। रिकवरी अगर चाहता है फिन निफ्टी तो 20,400 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है फिन निफ्टी को। इसके ऊपर सस्टेन करना होगा तो ही वापस एक बार 20,800 से लेके 21,000 के लेवल वापस इस इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी मिड कैप, दोस्तों निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप एक बड़े ऑसिलेशन जोन में जिस तरह का पिछले मैं कई हफ्तों से बोल रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रैली के बाद ये ब्रीदिंग टाइम है, एक साइडवेज मूवमेंट है और ये रेंज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पिछले हफ्ते में मैंने 10,450 का लेवल दिया था, उसके नीचे हमने करीब करीब 150-250 पॉइंट का फॉल देखा और वापस रिकवरी और वापस उस लेवल के नीचे हैं। तो अगले हफ्ते के लिए मिड कैप निफ्टी जो है 400 पॉइंट का रेंज बन रहा है दोस्तों, नीचे की तरफ 10,200, ऊपर की तरफ 10,600। ये 400 पॉइंट के बीच में ये ऑसिलेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे मिड कैप निफ्टी के लिए। अगर मिड कैप निफ्टी 10,200 के नीचे फिसलता है तो करेक्टिव मोड चालू होने की संभावना है। जनरली इस इंडेक्स में ऐसा देखा गया है दोस्तों, देखिए मैं पिछला दिखा रहा हूँ आपको एक अच्छे खासे रैली के बाद कंसोलिडेशन, और अगर कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन मिलता है तो एक करेक्टिव मोड आता है, वापस एक अच्छा खासा रैली है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर 10,200 को हमने क्रॉस कर दिया तो इसी तरह का एक करेक्टिव मोड यहाँ पे बनता हुआ देखने की संभावना है। और अगर ये करेक्टिव मोड 10,200 के ऊपर जब तक अब है मिड कैप निफ्टी में तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट, इसी तरह का उठा पटक वाला मूवमेंट मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 10,600 के ऊपर निकलना है, उस वहाँ पे सस्टेन होना है तो ऊपर की तरफ वापस एक बार रैली चालू होने की संभावना मिड कैप निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये थे चार मेजर इंडाइसेस, ओवरऑल बाजार के ऊपर हमने व्यू जनरेट करने की कोशिश की। उसके साथ साथ हम थोड़ा वर्ल्ड इंडाइसेस की तरफ भी देख लेंगे। अगर मैं वर्ल्ड इंडाइसेस डाउ जोन्स की तरफ देखता हूं पिछले हफ्ते की ये जो लाइन्स है वो मैंने वैसे के वैसे रखे। मैंने कहा था ब्रेकआउट
होता हुआ दिखाई दे रहा है, वापस एक बार टेस्ट होता हुआ नजर आएगा और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर मैं लेटेस्ट क्लोज देखता हूं तो और 50 पॉइंट ऊपर है, यानी 38,100 के आसपास क्लोजिंग है। दोस्तों जब तक हम इस इंडेक्स को 37,800 के ऊपर देख रहे हैं तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। आई रिपीट, 37,800 के जब तक हम ऊपर हैं तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम ही रहने की संभावना है, जिसका इम्पैक्ट बाकी के बाजारों में भी होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कोई डाउ मॉनिटर करता है, उसमें से कुछ इनपुट्स लेना चाहता है, तो उनके लिए 37,800 बहुत अहम लेवल रहेगा। या जब तक ऊपर है, कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर की तरफ निकलने की संभावना इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। नैसडैक 100 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि जब तक हम 17,000 के ऊपर है धीरे धीरे ऊपर जाता ही रहेगा, और उसी तरह से हमने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में देखा। हालांकि अगर लेटेस्ट मैं क्लोज देखता हूं तो करीब करीब 120 पॉइंट नीचे है ये इंडेक्स, 17,350 के आसपास है मेरे ख्याल से, 17,400 के आसपास है, 17,394 है अभी इंडेक्स, 120 पॉइंट नीचे है। लेकिन जब तक हम 17,000 के ऊपर है इसमें भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। 17,000 के नीचे हमें एक छोटा सा करेक्टिव मोड देखने को मिलने की संभावना इस इंडेक्स में है। और उसके साथ साथ यूएसडी आईएनआर भी देख लेंगे दोस्तों। यूएसडी आईएनआर अगर मैं देखता हूं, पिछले हफ्ते का रेंज जो मैंने दिया था उसी रेंज में मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगले हफ्ते के लिए वही 25 पॉइंट का मैं देने के लिए, अभी मैं थोड़ा सा नीचे से 10 बेसिस पॉइंट ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर की तरफ 83.25, नीचे की तरफ 82.90 के बजाय 83। सो 83 ये नीचे की तरफ, 83.25 ऊपर की तरफ, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे हमारे करेंसी के लिए। अगर हम 83 के नीचे फिसलते हुए अपने करेंसी को देखेंगे तो स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई नज़र आएगी, डॉलर सस्ता हुआ नज़र आएगा, और अगर 83.25 के ऊपर हम निकलेंगे तो डॉलर और महंगा होता हुआ नज़र आने की पूरी पूरी संभावना है। उस केस में हम 83.40 तक छलांग लगाते हुए डॉलर को देखेंगे, रुपी में वीकनेस बनता हुआ दिखाई देगा इस लेवल के ऊपर। तो दोस्तों ये था ओवरऑल व्यू अभी बाजार के ऊपर। अभी बात करेंगे हम सेक्टर्स की। जैसे पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि सारे सेक्टर्स के चार्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, तो अभी 3 ट्रेडिंग सेशन में वापस ऐसा कोई बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है इंडेक्स में, उसी तरह से डिस्टॉर्टेड है और कुछ लेवल्स गेज करने की, सस्टेन करने की कोशिश अलग अलग तरह के सेक्टोरियल इंडेक्सेस में बनती हुई नजर आ रही है। कुछ इंडाइसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते में हमारा व्यू रखा था, वो भी मैं वापस एक बार थोड़े अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और शुरू करूँगा पहले प्राइवेट बैंक के साथ। पिछले हफ्ते में मैंने आपको बोला था मेक और ब्रेक लेवल 23,400, ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, इसके नीचे फॉल होगा, फॉल करेक्शन बढ़ेगा। देखो दोस्तों पिछले हफ्ते में हमने 23,400 के नीचे एक अच्छा खासा फॉल देखा, जहां से हमने करीब करीब 800 पॉइंट का फॉल इस इंडेक्स में देखा है, और वापस अभी रिकवरी होने की कोशिश। अगले हफ्ते के लिए अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो ये चार्ट स्ट्रक्चर पहले अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था, पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पे ना थोड़ा संभलने की कोशिश होगी। बड़े बड़े मूव्स आते हुए हम इस इंडेक्स में देखेंगे। नीचे की तरफ जो अहम लेवल सपोर्ट लेवल का काम करेगा वो रहेगा 22,800 ये सेवियर रहेगा, इसके नीचे फॉल और बढ़ेगा और 22,400 तक जाने की पूरी पूरी संभावना होगी उस केस में। जब तक हम 22,800 के ऊपर हैं ये इंडेक्स खुद को संभालने की कोशिश करेगा, और 23,400 जो है ये रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर इस इंडेक्स को निकलना होगा। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा वैसे इसमें 23,400 के ऊपर निकलना होगा, खुद को सस्टेन करना होगा, तो वापस एक बार 24,000 से लेकर 24,200 तक ये इंडेक्स जाने की संभावना बनती हुई चार्ट पे देख सकते हैं। तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। पीएसयू बैंक,
अभी दोस्तों पीएसयू बैंक मैंने कहा था कि 5925 के ऊपर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है हमें, और वो हमें देखने को भी मिली, लेकिन अभी वापस उस लेवल के नीचे थोड़ा सा उसी लेवल के आसपास घूमता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। अगर अगले हफ्ते के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ तो पीएसयू बैंक में 5800 से लेके 5850, 5800, 5850 बाइंग रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, और उस केस में 5700 के नीचे करेक्टिव मोड चालू हो सकता है। तो यानी इस लेवल के जितना नज़दीक हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में जो अच्छे खासे स्टॉक्स रहेंगे, टेक्निकली ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक्स है, ऐसी स्टॉक की तरफ हम ध्यान रखेंगे तो आरआर रेशो अच्छा खासा मिलने की संभावना होगी। तो 5700 के जब तक हम ऊपर है तब तक हमें इससे मतलब कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और अगर ये इंडेक्स 6100 के ऊपर निकलेगा तो वापस पिछले जैसे रैलीज हमने देखी है उसी तरह के रैली, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगले एक हफ्ते में 6100 के ऊपर निकलने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह का अभी चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के वॉल्यूम हम देख रहे हैं सारे इंडेक्सेस में, तो वो प्रोबेबिलिटी कम है 6100 रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ सकता है। 5700 नीचे की तरफ रिस्क किधर है अपना, 5700 उसकी तरफ ध्यान होना बहुत बहुत जरूरी है। हेल्थ, निफ्टी हेल्थ जो है वो मैं पिछले कई हफ्तों से इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिलता हुआ दिखाई दिया, वापस एक ब्रेकआउट के नीचे आ गए हम, उस लेवल को टेस्ट किया, ब्रेकआउट लेवल को हमने टेस्ट किया है, ये जो कंसोलिडेशन था इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकला, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, वापस ऊपर जाने की संभावना है। जब तक हम 10900 के ऊपर है डरने की ज़रूरत नहीं है, 10900 यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट आता हुआ, 10900 के नीचे ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेल होता हुआ नज़र आ सकता है, तो ये स्टॉक्स की तरफ हमारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद निफ्टी आईटी, पिछले हफ्ते में भी मैंने निफ्टी आईटी के ऊपर मेरा व्यू दिया था और मैंने कहा था कि बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, थोड़े दूर के स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू रखो। अभी भी जब तक हम निफ्टी आईटी 36,200, 36,100, 36,200 के ऊपर है, इसमें वापस एक ऊपर जाने की छलांग लगाने की प्रोबेबिलिटी है। 36,100 के नीचे अगर फिसलता है तो हो सकता है कि वापस एक बार 35,500 टेस्ट होता हुआ नजर आएगा, वहां पे हम रिव्यू लेना चाहिए कि हमें क्या ये इस इंडेक्स में वापस स्ट्रेंथ गैदर होती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है। तो 36,100 नीचे की तरफ, अगर हम 37,500 के ऊपर इस इंडेक्स को निकलते हुए देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा और अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलने की संभावना होगी। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो, ये एक अच्छा खासा खुद को सबसे कंपैरेटिवली ज़्यादा संभला हुआ इंडेक्स मुझे नज़र आ रहा है। कोई बड़ा फॉल हमने इस इंडेक्स में नहीं देखा है और उछाल आया तो वापस ऊपरी छोर पर ही जाने की कोशिश करता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। 18,850, 18,850, जिस अगले हफ्ते में अगर इस लेवल के ऊपर हम निकलते हैं तो मैं मानता हूँ बेहतरीन रैली ऑटो स्टॉक्स में देखना चालू हो जाएगा। तो इस इंडेक्स की तरफ ध्यान दो, 18,850 ऊपर की तरफ, 18,250 नीचे की तरफ, ये 600 पॉइंट का रेंज है, मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे इस इंडेक्स के लिए। निफ्टी एफएमसीजी, दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने कहा था 55,900 इसके नीचे आता है तो फॉल होगा, और दोस्तों हमने एक अच्छा खासा फॉल 55,900 के नीचे देखा, करीब करीब 1200 पॉइंट का फॉल इस इंडेक्स में हमें देखने को मिला। अभी अगले हफ्ते के लिए 54,500 ये सेवियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम तभी बनेगा जब 54,500 के नीचे ये इंडेक्स फिसलेगा और कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, हो सकता है और 700-800 पॉइंट का फॉल भी इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके ऊपर वॉच करना जरूरी है।
ऊपर की तरफ का लेवल है 56,000, थोड़ा ऊपर की तरफ का लेवल है, लेकिन मैं जो सपोर्ट लेवल है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखूंगा। उसके नीचे फिसलता है तो इस इंडेक्स में और गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। एंड फाइनली फार्मा, फार्मा लेवल में अच्छा खासा रुझान है, और ये जैसा मैंने ऑटो के बारे में कहा था कि ये एक अच्छा इंडेक्स है, उसी तरह से फार्मा ये भी एक इंडेक्स अच्छा है। दोस्तों अभी इसमें क्या हुआ है, एक रैली के बाद कंसोलिडेशन देखा था, इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिला और एक ही कैंडल में वापस वो नीचे ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये एक ही कैंडल में टेस्ट होना थोड़ा मतलब कन्विक्शन वाली बात नहीं होती है, थोड़ा कॉशियस माहौल इस इंडेक्स में भी रखना चाहिए। अगर जब तक ये इंडेक्स हम 17,250, जब तक इस लेवल के ऊपर है तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये टेस्टिंग हो रहा है और वहाँ से वापस ऊपर जाने की संभावना होगी। अगर 17,250 के नीचे ये इंडेक्स फिसलता है तो मैं मानता हूँ ये जो ब्रेकआउट है ये फेल होगा और वापस एक बार साइडवेज या थोड़ा सा करेक्टिव मोड इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स के ऊपर हमारा व्यू जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको कहीं पे भी खरीदारी करनी है तो आपको खुद का पूरा एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपका जो रिस्क है वो समझना ज़रूरी है और आपके निजी वित्तीय सलाहकार से आपको वो बात डिस्कस करके निवेश करना ज़रूरी है। फिर बात करेंगे कमोडिटीज़ की। गोल्ड, दोस्तों अगर मैं गोल्ड की तरफ देखता हूं तो देखो पिछले हफ्ते में भी मैंने कहा था कि एक रेंज बनता हुआ नजर आएगा, रेंज बनता हुआ नजर आएगा, सेम रेंज कंटिन्यू रहेगा 61,500 से लेके 63,000। सो 61,500 नीचे की तरफ, 63,000 ऊपर की तरफ, जब तक इस रेंज को हम अच्छी तरह से लांघते नहीं है तब तक इस कमोडिटी में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलने की संभावना बहुत कम है। सिल्वर, सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर में भी सेम रेंज रहेगा, नीचे की तरफ 71,000 और ऊपर की तरफ 73,000, ये रेंज सिल्वर का रहेगा। क्रूड, हाँ क्रूड में मैंने पिछले हफ्ते में आपको लेवल दिया था 6,300 एंड 5,800, हमने 6,300 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ हम इस कमोडिटी को देख रहे हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ ब्रेकआउट के बाद एक बार टेस्टिंग और उसके बाद वापस फाइनल डायरेक्शन तय होगा। अगर ऊपर की तरफ निकलता है टेस्टिंग के बाद तो 6,600 ऑन द लोअर साइड मुझे चार्ट के ऊपर देखने को मिलने की संभावना है। तो आपको जब तक हम अभी 6,300 के ऊपर है, 6,250 के ऊपर है, तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, ऐसा क्लियर इंडिकेशन चार्ट दिलाता हुआ नजर आ रहा। नेचुरल गैस, पिछले हफ्ते में 203 और 222 जो रेंज दिया था हमने खुला ही देख, खुलता ही नीचे गया है, 203 के नीचे ही खुला था, नीचे गया था वो 192 तक और वापस ऊपर इसी लेवल एंट्री जोन में एंटर किया, 222 को टेस्ट तोड़ा और 240 को टेस्ट किया और वापस 222 के अंदर। इसका मतलब वही रेंज में रखना चाहूँगा, नीचे की तरफ 203 ऊपर की तरफ 222, ये वापस अगले हफ्ते के लिए मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है इस कमोडिटी के लिए। फाइनली अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन से, तो दोस्तों बेसिकली 2-3 इवेंट्स है अगले हफ्ते में जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। पहला जो इवेंट है वो है 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को यूएस का जॉब ओपनिंग्स का डेटा डिक्लेयर होने वाला है, यानी कितने नए जॉब्स का ओपनिंग है जो इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमी के लिए। उनका स्पेंडिंग इकोनॉमी है तो जितना ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं उतना ज़्यादा लोगों को इनकम होगा, उतना ज़्यादा लोग स्पेंडिंग करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मार्केट पर होने की संभावना होगी। दूसरे जो इवेंट्स है वो सीधे 1 फरवरी को है, पहले 30 जनवरी को यूएस के जॉब ओपनिंग का डेटा है, 1 फरवरी को दो इवेंट्स है मेरे ख्याल से, 3 इवेंट्स है टोटल। पहला इवेंट है यूएस का, यूएस के वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन डिक्लेयर करने वाले हैं 1 फरवरी को,
और उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन जारी करने वाला है, यानी यूएस और यूके दोनों का इंटरेस्ट रेट डिक्लेरेशन होने वाला है कि क्या रहेगा उनका डिसीजन इंटरेस्ट रेट को लेकर। और चाइना का 1 फरवरी को ही चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा डिक्लेयर होने वाला है। तो ऐसे टोटल 2 दिन में 4 इवेंट्स हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, और उनका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसा होता है ये आप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए हमारी कंपनी का टैगलाइन है पढ़कर समझकर निवेश करो। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, आपके ढेर सारे कमेंट्स चाहिए आपको, और इस वीकली वीडियो में क्या ऐड करना है ये भी आप मुझे बताइए तो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते में, तब तक के लिए धन्यवाद।